ग्रीटिंग्स ऑफ द डे दिस इज़ नीतू योर एल्गा 9 टीचर फ्रॉम बाल भारती विद्यापीठ स्कूल गोहाना इन टूडेज़ क्लास वी विल डिस्कस अबाउट टू ग्रामर कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट कॉमा एंड अपोस्ट्रॉफी सेकंड, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स सबसे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे

सेंटेंस टाइप वन नमिता राइड्स बाई साइकिल एस वी ओ पैटर्न नमिता सब्जेक्ट है हमारा इस एग्जांपल में राइड्स वर्ब है और बाईसाइकिल ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट पार्ट में नाउन प्रोनाउन कुछ भी ले सकते हैं हम डूइंग द एक्शन जो काम करेंगे सेंटेंस में वो सब्जेक्ट पार्ट में लेंगे सेकेंड वर्ब एक्शन बीइंग डन जो काम सेंटेंस में किया जाएगा थर्ड ऑब्जेक्ट पार्ट नाउन प्रोनाउन ऑन विच एक्शन इज बीइंग डन ऑब्जेक्ट में जिस चीज के ऊपर काम होना है सेकंड नमिता इज राइडिंग अ बाईसाइकिल फर्स्ट सब्जेक्ट पार्ट हमने सेम लिया है बट सेंटेंस टाइप टू में हमने वर्ब पार्ट को मॉडिफाई किया है वर्ब पार्ट में हेल्पिंग वर्ब ऐड किया है मेन वर्ब के साथ इज राइडिंग राइडिंग से पहले इज हेल्पिंग वर्ब ऐड किया है एंड इन ऑब्जेक्ट पार्ट ऑब्जेक्ट पार्ट में आर्टिकल ऐड किया है अ बाईसाइकिल आर्टिकल प्लस नाउ इन थर्ड टाइप सेंटेंस टाइप थ्री नमिता इज हैपीली राइडिंग फास्ट बाई सब्जेक्ट पार्ट सेम है नमिता वर्ब पार्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस एड वर्ब प्लस मेन वर्ब बीच में हमने हेल्पिंग वर्ब हैप्पीली एड किया है ऑब्जेक्ट पार्ट में आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन और प्रोनाउन फास्ट एडजेक्टिव एड किया है ऑब्जेक्ट पार्ट में नमिता इज़ हैप्पीली राइडिंग अ फा बाईसाइकिल नमिता खुशी से एक तेज बाईसाइकिल चला रही है सेंटेंस टाइप फोर यंग नमिता इज़ हैप्पीली राइडिंग अ फास्ट बाईसाइकिल सब्जेक्ट पार्ट में हमने मॉडिफिकेशन की है यंग एब्जेक्टिव एड किया है नमीता से पहले वर्ब और ऑब्जेक्ट पार्ट सेम है तो इस तरह से हमने देखा चार तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स अभी हमने एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिस की हमने फ़ोर टाइप स्ट्रक्चर्स की इसी तरह से आप और भी एग्जांपल्स बना सकते हो इन फोर सेंटेंस टाइप्स स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर सकते हो अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कॉमा एंड अपोस्ट्रॉफी कॉमा एंड अपोस्ट्रॉफी को हम कैसे यूज़ करते हैं कॉमा आ कॉमा इज यूज इन अ सेंटेंस टू सेपरेट थ्री और मोर थिंग्स तीन या फिर तीन से अधिक वस्तुओं को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ किया जाता है एग्जाम्पल समिता कोमल एंड नमिता स्टडी साइंस इस एग्ज़ाम्पल में समिता कोमल एंड नमिता तीन हैं। फर्स्ट नाउन के बाद हमने कॉमा ऐड किया है वी कैन पुट कमा आफ्टर फर्स्ट नाउन इफ़ वी हैविंग थ्री नाउन्स सो इफ़ वी हैव थ्री नाउन्स वी विल पुट कमा आफ्टर फर्स्ट नाउन अगर हमारे पास तीन नाउन्स हैं तब हम फर्स्ट नाउन के बाद कॉमा एड करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नोटबुक पेंसिल एंड पेन थ्री थिंग्स आर हेयर नोटबुक के बाद हमने कॉमा ऐड किया है अपोस्ट्रॉफी एन अपोस्ट्रॉफी इज यूज टू शो दैट एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है अपोस्ट्रॉफी सिम्बल से हम शो करते हैं सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन दो तरह से हम अपोस्टोफी सिंबल यूज़ करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल द बॉयज कैट वॉज सिख सिंगुलर नाउन की एग्जाम्पल ली है हमने लड़के की कैट बीमार थी बॉयज कैट अपोस्ट्रॉफी टू शो दैट द कैट बिलोंग्स टू द बॉय कैट जो कि ऑब्जेक्ट है हमारे सब्जेक्ट बॉय से रिलेटेड है सिंगुलर नाउन है बॉय इसीलिए हमने पहले द बॉय राइट किया है उसके बाद अपोस्ट्रॉफी सिंबल पुट किया है देन रिटर्न एस नाउ लुक एट प्लूरल नाउन एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे प्लूरल नाउन में हम कैसे पोस्टॉफी सिंबल लगाते हैं टू बॉयज़ बाइक्स हैड फ्लैट टायर्स दो लड़कों की बाइक्स के टायर फ्लैट हैं हमारे पास यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है सिंगुलर नहीं है इसीलिए हमने टू बॉयज़ लिखने के बाद पोस्टॉफी सिंबल लगाया है पोस्टॉफी टू शो दैट द बाइक्स belong to two boys. So in this way we can use apostrophe symbol with singular noun and plural noun. Thank you.